डॉक्यूमेंट के डाटा में कोई वेरिएशन है तो भी उसका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पुलिस डिपार्टमेंट में कमांडो विंग में जो 520 मेल कांस्टेबल के लिए पोस्ट रिलीज हुई है, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन के सबमिशन की स्टार्टिंग डेट है वो 14 जून से स्टार्ट होगी और उसका जो एंड डेट है वो 29 जून तक रहेगी। और इसमें जो फीस की लास्ट डेट रहेगी वो 5 जुलाई 2021 तक रहेगी। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के ऑनलाइन प्रोसीजर के बारे में। आपने इसे एक बार ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले इसके पूरे के पूरे रिस्ट्रिक्शंस को अच्छे से रीड कर लेना है और इसके डॉक्यूमेंट को एज पर रिक्वायरमेंट ही फिल करना है। जैसे ही आप इसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो इसमें एक पासवर्ड और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जनरेट होगा। आपने उसका एक प्रिंट आउट ले लेना है अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ताकि आप इसका इन फ्यूचर स्टेटस चेक करते रहें। एप्लीकेशन फॉर्म के फाइनल सबमिशन के बाद कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर आप उसमें कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो ना HSSC द्वारा होगा, ना ही आपने साइबर कैफे से भरा है उसके द्वारा होगा। अगर आप उसे फिर भी चेंज करना चाहते हैं तो आपके उसके लिए दोबारा से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, उसके लिए आपको अलग से ही फीस लगेगी। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट निकली है। जैसे कि जनरल कैटेगरी में निकली है 187 पोस्ट, SC में निकली है 93, BCA में निकली हैं 72, BCB में निकली हैं 42, EWS में निकली हैं 52, ESM जनरल में है 37, ESM SC में है 11, ESM BCA में है 11, ESM BCB में है 15 पोस्ट। इसके साथ ही हम इन कैटेगरीज की फीस के बारे में बात करेंगे। जनरल वालों की जो फीस रहेगी वो 100 रुपीज रहेगी। BC, SC और EWS वालों की जो फीस रहेगी वो 25 रुपये रहेगी। और एक्स सर्विस मैन की जो फीस, उसके लिए उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है। अब हम बात करेंगे इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो +2 है, या फिर इसके कोई भी इक्विवेलेंट आपके रिकॉग्नाइज बोर्ड से किए हो आपने। इसके अलावा आपको 10th में या तो एक सब्जेक्ट हिंदी कंपलसरी होना चाहिए या फिर संस्कृत कंपलसरी होना चाहिए। और इसके लिए जो एज लिमिट दी गई है वो 18 से 21 साल तक की दी गई है। और इसके लिए जो आपका पे स्केल रहेगा वो 21,700 से 69,100 के बीच में रहेगा। इसके लिए आपके टोटल 3 राउंड होंगे। पहला राउंड जो आपका होगा वो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, जिसमें हम आपकी हाइट के बारे में बात करते हैं कि आपको कितनी हाइट मिनिमम चाहिए। अगर आपकी हाइट 175 सेंटीमीटर है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी हाइट 178 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी हाइट 181 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी हाइट 184 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी हाइट 175 सेंटीमीटर से कम है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अलावा हम इसकी चेस्ट एक्सपेंडेशन के बारे में बात करेंगे। वो आपको मिनिमम आपकी 83 सेंटीमीटर में प्लस 4 सेंटीमीटर की एक्सपेंडेशन चाहिए। अगर आपकी इससे कम होगी तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। इसके अलावा हम इसके रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें जो 2 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन दी जाएगी हाइट और चेस्ट एक्सपेंडेशन में BC वालों को, SC वालों को और EWS वालों को। अगर कोई भी कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो वो फर्दर प्रोसेस से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका सेकेंड राउंड होगा फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें आपको टोटल 3 राउंड क्लियर करने होंगे और हर एक राउंड के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे और आपको 3 राउंड ही क्लियर करने होंगे। अगर आप इसमें से एक भी राउंड क्लियर कर नहीं पाए तो आप इसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और आपके जो 3 राउंड वो इस प्रकार हैं। पहला आपका होगा हाई जंप। आपको 137 सेंटीमीटर से अबव का हाई जंप करना होगा और टोटल आपको 3 चांस दिए जाएंगे। सेकंड आपका होगा चिन अप्स, जो आपको मिनिमम 8 करने होंगे। थर्ड आपकी 2 किलोमीटर की रेस होगी, जो आपको 7.5 मिनट से भी कम समय में कंप्लीट करनी होगी। अगर आप इन तीनों को क्वालिफाई कर लेंगे तो ही आप अगले प्रोसेस के में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद आपका नॉलेज टेस्ट होगा। जो कैंडिडेट फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में क्वालिफाई हुए हैं वही कैंडिडेट नॉलेज टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और आपका जो नॉलेज टेस्ट होगा वो टोटल 60 मार्क्स का होगा। और इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो टोटल 100 होंगे। और जो ईच मार्क्स की मार्किंग आपकी रहेगी वो 0.60 मार्क्स रहेंगे। और इसमें जो टाइमिंग होगी वो 90 मिनट की आपकी टाइमिंग होगी। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और इसके अलावा इसमें जो एग्जामिनेशन का मीडियम होगा वो हिंदी एज वेल एज आपका इंग्लिश भी रहेगा। अब हम बात करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स की जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए अपलोड करने हैं। फर्स्ट होगा आपका स्कैन्ड कॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन +2 और 10th की, और उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ और जो आपकी अदर इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर होनी चाहिए। सेकंड आपका रहेगा स्कैन्ड कॉपी ऑफ आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, या BC, SC या ESM, ESH, इन सब के जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो होंगे विद डोमोसाइल हरियाणा के। थर्ड होगी स्कैन फोटो साइन बाय कैंडिडेट, और फोर्थ होंगे स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट।
अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन के रिजेक्शन के कॉजेज के बारे में। अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है और ऑनलाइन नहीं है, अगर जो इसकी फुल फीस है वो डिपॉजिट नहीं की गई है इन द मैनर डिस्क्राइब में, अगर इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपने हिंदी और संस्कृत नहीं है आपकी क्वालिफिकेशन में, अगर आपके कैंडिडेट है वो अंडर एज और ओवर एज है एज पर द कट ऑफ द डेट, अगर कैंडिडेट के ऑनलाइन एप्लीकेशन और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के डाटा में कोई वेरिएशन है तो भी उसका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।